नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने द डिग्निटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जिस लम्हे का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने, बिल्कुल सर आपने सही सुना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है अब वैकेंसी जो है जारी कर दी है। किसकी? कि सर वैकेंसी जारी की है किसकी भाई? जूनियर अकाउंटेंट की। बिल्कुल सर, जूनियर अकाउंट की जो है वैकेंसी अब जारी हो चुकी है। और ध्यान रखिए, ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी के लिए, जिनके लिए योग्यता है उसके हिसाब से। तो देखिए 4,911 पद, कितने भाई? 4,911 पद जो हैं ये पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। कितने भाई? 4,911 पद, यानी कि, और 279 किसके हैं सर? ये है सर किसके? आपके अनुसूचित के। साथ ही साथ तहसील राजस्व लेखाकार के भी 170 पद यहां पर दिए हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर दो भर्तियां जो है एक साथ आई है, पहला कनिष्ठ लेखाकार और दूसरी तहसील राजस्व लेखाकार। जी हाँ, यानी कि लगभग आप देखें तो ये जो है 5,400 के आसपास जो है पूरी भर्ती रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट ये रहा आपके, और तहसीलदार का 198। अब जो मुख्य बातें हैं कि भाई क्या रहेगा, सबसे पहले सीटीए क्या होगा, ठीक है, वो देखिए आगे सर। यहां पर इसमें साफ जो है कहा गया है, देखिए ध्यान से, बी केयरफुल, समझिए इस बात को। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, मैं समझाने जा रहा हूं क्योंकि डाउट जो है मेन यही रहने वाला है। बिल्कुल सर, हर डाउट का समाधान जो है यहां किया जाएगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है आवश्यक निर्देश, दिया हुआ है राज्य सरकार के आदेश पत्रांक के द्वारा समान पात्रता परीक्षा की आयोजित करवाए जाकर स्कोर कार्ड जारी कर दिए थे। अब दिया हुआ है कि सीईटी स्नातक स्तर की पात्रता परीक्षा में वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार तहसील के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा, क्या लिखा हुआ भाई? समान पात्रता परीक्षा में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्तित पदों के 15 गुना, यह साफ साफ दे दिया गया है सर, 15 गुना वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज है, अब यह बात जो है क्लियर हो चुकी है कि वही अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे जो कुल पदों के 15 गुना में आएंगे, यानी कि लगभग मान लो 15×75, ठीक है, यानी कि लगभग 76,000 जो लोग हैं वही जो है इस वैकेंसी में अब एप्लीकेबल हो पाएंगे। यानी कि ये कहो कि बाकी जो है वही पे स्टॉप, चाहे उनके पास योग्यता है चाहे नहीं है, तो केवल 15 गुना जो है ये इसमें लिए जाएंगे। ओके, अब देखिए आवेदन भरते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार पदों की प्राथमिकता देनी अनिवार्य है कि आप कौन सा पद जो है लेना चाहेंगे। ओके, तो ये सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज है, यानी कि अब जो भी भर्तियां होने वाली है जो सीटी के अंदर आ रही हैं उसमें 15 गुना ही लिए जाएंगे। कई बोल सकते 40% लेंगे, हमने कहा था नहीं, 15 गुना लिए जाएंगे। तो वही जो है आपके सामने मूल बात जो है निकल कर आई है। बाकी तो आवेदन प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं सर, आपको वन टाइम यहां रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है एसएसओ के माध्यम से। और यहां देखिए कि सीटी का जो है आपको यहां पे क्या डालना है सर, सीटी का आपको आवेदन पत्र का रोल नंबर डालना है, ठीक है भाई। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे की ओर। देखिए भाई आगे ये रहा आपके सामने,
तो इसमें कहा हुआ है कि आपको अपने SSOID से अप्लाई करना है और इसमें आपको CET का जो है आपको रोल नंबर अब सबमिट कर देना है। उसके अलावा देखिए कि सर इसमें ये साफ कहा गया है कि भाई देखिए 19/4 से इन्होंने अप्लाई कर दिया है, 400 रुपये रखिए फीस OBC के लिए, बाकी सामान्य वर्ग किमिलियर के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये जो है इन्होंने रखी गई है, बाकी तो आपके ये है कि भाई 400 रुपये जो है सामान्य के लिए है। ओके गाइस, बाकी किमिलियर का पता ही होता है भाई किमिलियर में कौन आएगा। अब देखिए आगे ये जो है आपके सामने ये कैटेगरीज वाइज जो है पूरे जो पद दिए हुए हैं। तो मेन बात मूल बात यह है कि सामान्य के 1242 हैं, SC के 300, SST के देखिए आप सामने 346 हैं, ST के 409 हैं, OBC के 716 हैं। तो ऐसे पद जो है सारे इन्होंने श्रेणीवार जो है दे दिए हैं। ओके, अब देखिए यहां पर बाकी सारे रूल्स तो आपको सबसे मेन जो है वो पता ही है कि सर रूल्स क्या होंगे। अब देखिए मेन जो है वो है सर इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो मेन चीज आप देखते हैं इसका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। ओके, अब सबसे पहले देखिए योग्यता क्या होगी। CET तो आपको क्लियर होना चाहिए, बिना CET नहीं होगा। सबसे पहले कि सर आप किसी भी सही संस्था से डिग्री हो आपके पास, ठीक है, यानी कि अब BCOM या सारा जो होता है। उसके बाद लागत और संगम लेखाकार कोलकाता की डिग्री परीक्षा पास होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स या तो वो हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा नियंत्रण जो है DOECC यानी ओ या उच्चतर लेवल। देखिए यहां तो ये दिया हुआ है कंपलसरी है सर, ये तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, यानी कि आपके पास BCOM वगैरह जो डिग्री हो वो हो। लेकिन साथ में यहां पर और दिया है, और मतलब या तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या फिर आपके यहां पर लिखा हुआ है RSCIT जो आज तक सबके पास होता है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो आजकल सबके पास होता है भाई RSCIT तो आजकल कंपलसरी हो गया। अब देखिए मुख्य परीक्षा होगी प्लस साक्षात्कार होगा। ओके, ध्यान रखिए, ठीक है, तो दोनों के माध्यम से जो है चयन किया जाएगा। यहां लिखा लिखित परीक्षा से पहले जहां लिखित परीक्षा माध्यम से चयन किया जाएगा, मतलब DV आपका जो है यहां पर लिया जाएगा, DV के माध्यम से होगा सर ये सारा खेल। अब देखिए आयु, तो वही आंसर 21 वर्ष या मैक्सिमम कितनी है 40 वर्ष की आयु जो है इसमें दी हुई है। अब देखिए यहां पर जो अंतिम तिथि दी हुई है वो देखिए, आवेदन पत्र 27/6/2023 से शुरू हो रहे हैं 26/7/2023। ये सबसे बड़ी बात है भाई, किसकी लास्ट डेट जो है क्या रखी गई है कि सर 27/6/2023 से 26/7/2023 ये इसकी जो है लास्ट डेट रखी गई है। ओके, और एग्जाम तिथि भी साथ में दी हुई है सर 17 सितंबर, बिल्कुल जो बोला जा रहा था 17 सितंबर 2023 को जो है आपकी वैकेंसी जो है इसका एग्जाम जो है 100% होने वाला है। तो आप इसका ध्यान रखिए भाई, ये बहुत जल्दी जो एग्जाम होगा। अब देखिए सिलेबस पे आते हैं सीधा कि सर सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। ओके, देखिए सिलेबस ये देखिए सिलेबस ये रहा आपका, ठीक है, बी केयरफुल समझना कि सर हिंदी के जो है आपके प्रश्न कितने आएंगे सर 25 आएंगे 75 के, अंग्रेजी के 25 सवाल 75 के, जीके के भी 25 सवाल 75 के, जनरल साइंस दी हुई है 25 सवाल 75 के, मैथ्स के 25 75, कंप्यूटर के भी 25, यानी कि 450 का जो पूर्णांक होगा और 150 क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं। ये तो होगा इसका प्रश्न पत्र एक। लेकिन प्रश्न पत्र दो देखिए, यहां पे बही खाता आएगा, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और राजस्थान सिविल सर्विसेज के जो इन्होंने एक्ट दिए हुए वो भी जो है यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ये होगा सिलेबस। तो बस आप लोग तैयार रहिए इस भर्ती के लिए। ओके,
चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक यू सो मच।